हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो इन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CE&T सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बार्स इन ए मंडल। फ्रेंड्स, जो आपकी साइट पे मंडल्स आ रहे हैं, क्या आप जानते हैं कितने मंडल, एक मंडल में कितने सरिया आता है? ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास डाया 8 mm है, 10 mm, 8 mm, 12 mm और 10 mm, ओके फ्रेंड्स, 16 mm, 25 mm, तो आपको पता होना चाहिए एक मंडल में कितने बार आते हैं। इंटरव्यू भी आपसे पूछ सकते हैं या फिर आपकी नॉलेज में होना चाहिए। जितनी आपकी लेंथ निकाली आप उसका वेट कैलकुलेशन निकालते हैं। अगर आपसे आपसे धोखा नहीं खाएंगे, कोई अगर आपके साइट पे आया हुआ है, आपके पास लेकर आए 5 मंडल्स, तो फ्रेंड्स तो उसमें आप निकालेंगे वेट, तो क्या आपके पास जो मेजरमेंट आई, जो आपने वेट करवाया, तो क्या वो सही है? एक उसका लेंथ निकाल लीजिए, एक बार की टोटल बार की लेंथ क्या आई, उसके हिसाब से आप मंडल में टोटल नंबर्स कितने हैं तो वेट निकाल लेंगे, उसके हिसाब से आप उसकी अमाउंट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें निकालते हैं वेट कैलकुलेट फॉर्मूला। क्या आप जानते हैं वेट कैलकुलेट फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेंड्स, 1 मीटर ऑफ बार के लिए d² / 162 फॉर्मूला होता है 1 बार निकालने के लिए, एम एस पार के लिए, माइल स्टील के लिए। डाया फ्रेंड्स क्या इंडिकेट कर रहा है? डाया ऑफ बार। इसमें डाया कुछ भी हो सकता है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 40 mm तक, 40 mm से 40 mm तक मोस्टली होता है। एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं 8 × 8 / 162, 8 × 8 फ्रेंड्स एग्जांपल किया मैंने, 8 mm डाया ऑफ बार अपॉन 162 इक्वल टू 0.395 kg/m। ओके फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ 1 बार इन ए मंडल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला ले रहे हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ये वाले ले रहे हैं 8 mm वाला। तो फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ 1 बार इन मंडल, एक मंडल में कितनी लेंथ होती है क्या पता है? 40 फीट की, या फिर 12 मीटर से फ्रेंड्स 12.20 mm तक होती है, मीटर तक एक लेंथ मंडल में, एक लेंथ बार की 12 मीटर से 12.20 मीटर तक। ओके फ्रेंड्स, 12.20 क्या फ्रेंड्स? 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, 12 मीटर 200 mm। ओके फ्रेंड्स, वेट ऑफ 1 बार इन ए मंडल, फ्रेंड्स वेट ऑफ 1 बार इन ए मंडल में क्या आएगा? वेट ऑफ 1 बार, लंबाई आ गई, आपको वजन निकालना है एक सरिये का, तो 12.20 × 0.395, ये क्या है? 0.395 कहाँ से आया फ्रेंड्स? केजी कहाँ से आया? यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, केजी आ गया आपके पास, तो 1 बार की लेंथ वेट आ गया फ्रेंड्स 4.819 kg, या फिर इसको आप ले सकते हैं 4.80 kg। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वेट ऑफ 1 मंडल। अब 1 मंडल की वेट कैसे आएगा? वेट मंडल का जो फ्रेंड्स होता है मोस्टली 80 किलोग्राम to 90 किलोग्राम तक होता है, 80 से 90 kg तक एक मंडल का वेट होता है। नंबर्स ऑफ बार इन ए मंडल में कितने आएंगे फ्रेंड्स? नंबर्स ऑफ बार मोस्टली 85 मैंने एवरेज लिया फ्रेंड्स, 85 एवरेज, तो डिवाइड बाई 4.80, 1 लेंथ की वेट कितना होता है फ्रेंड्स? 4.8 किलोग्राम। ओके फ्रेंड्स, इसको हमने डिवाइड किया इससे, तो फ्रेंड्स क्या आया? 17.70 bars। कितना है फ्रेंड्स? 18 नंबर्स ऑफ बार आए आपके फ्रेंड्स, 8 mm के जो बार आएंगे एक मंडल में 18 bars आएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं। ये मैंने फ्रेंड टेबल बना दी एक, इसमें आपको देखना है फ्रेंड डाया ऑफ बार 8 mm, ये फ्रेंड्स क्या है शो कर रहा है? mm में। ओके फ्रेंड्स, mm, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मोस्टली आपने ड्राइंग में देखा होगा फ्रेंड्स, इस तरह से होता है, इस तरह से शो करता है। ये डाया ना लिख कर ओनली ये लिख देते हैं, जैसे ये लिख देते हैं बस, ओनली ये, उसके बाद दे देते हैं फ्रेंड्स ये। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? पाई, ये होता है फ्रेंड्स पाई, एक तो ये होता है पाई और ये होता है पाई, ये पाई फ्रेंड डाया के लिए मोस्टली यूज़ होता है। और ये एट द रेट होता है फ्रेंड्स, ये सेंटर टू सेंटर के लिए, एट द रेट ऑफ 200 सेंटर टू सेंटर के लिए, स्लैब में स्टील वेयर ड्राइंग आपने देखी होगी, इस तरह से होता है। या फिर आपको दे देंगे हैज़, ओके फ्रेंड्स, टू हैज़, ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हैज़ देंगे तो ये भी इंडिकेट करेगा टू नंबर्स, 8 2 हैज़ 2 हैज़, ऐसे नंबर समथिंग देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें फ्रेंड देखते हैं वेट पर मीटर, एक मीटर में वेट क्या होता है फ्रेंड? फार्मूला बता दिया, एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं किस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। और आप किसी वही मंडल का वेट निकालेंगे, किसी मंडल का वेट निकालेंगे और उसमें बार निकालेंगे इस तरह से फार्मूले से। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें देखना फ्रेंड्स 8 mm, 8 mm का फ्रेंड्स 1 मीटर में कितना होता है? 0.39 kg। तो उसमें नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं फ्रेंड्स? 16 to 18, इसको आप गुना करेंगे इससे, तो
तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 1 2 3। इन तीनों को कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 90 से 80 किलोग्राम तक आया या नहीं आया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 10 mm है, 1 मीटर में फ्रेंड्स 0.617 किलोग्राम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं, 11 to 12, मोस्टली 12 होते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, नंबर्स ऑफ मोस्टली 12 और 8 mm में 18 होते हैं। डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील आया साइड पे। मोस्टली फ्रेंड्स 8 mm का अगर बार यूज आ रहा है तो मोस्टली 18 होता है, नंबर्स बार आएंगे 18 19 भी आ जाते हैं एंड 17 भी आ जाते हैं कभी कभी। इसमें 8 mm तो मोस्टली एक्चुअल नहीं है कोई नंबर ऑफ बार। 10 mm का आता है फ्रेंड्स 11 to 12, मोस्टली 10 12 बार्स आते हैं 10 mm के में, मोस्टली 12 आते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स 4 फीट की लेंथ होती है एंड 12.10 mm की मीटर होता है 1 मीटर का बार। 12 मीटर से बता चुका ना फ्रेंड्स, 12 से कम 12.20 तक ही होता है। तो फ्रेंड्स उसका एवरेज 80 to 90 किलोग्राम तक होता है। इस तरह फ्रेंड्स ऐसे ही 12 mm का बार है, 1 मीटर में फ्रेंड्स 0.88 किलोग्राम होगा और नंबर्स ऑफ बार फ्रेंड्स 9 to 10, मोस्टली 12 mm के में होता है फ्रेंड्स, 9 बार्स मोस्टली होते हैं, 10 mm कभी कभी आ जाते हैं, 10 भी आते हैं, मोस्टली 9 ही आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें देखना फ्रेंड्स लेंथ तो बार क्या फ्रेंड्स 40 फीट और 12.10 मीटर। ओके फ्रेंड्स 10 भी आते हैं 12 भी, तो उसमें फ्रेंड्स एवरेज पर किलोग्राम देखना फ्रेंड 90 to 100 किलोग्राम होता है 12 mm के बार में, 90 to 100 किलोग्राम तक। ऐसे ही 16 है 1.58 किलोग्राम होगा। नंबर्स ऑफ मंडल में बार कितने होंगे फ्रेंड्स, 5 होंगे 16 के में, 5 बार्स। लेंथ क्या होती है 40 फीट, 12 मीटर से 10 12.20 तक अमाउंट तक होती है किलोग्राम 90 to 100। 20 mm के में होगा 2.47, नंबर्स ऑफ बार 3। इसको तीनों को गुना करेंगे, देखिए फ्रेंड्स 90 to 100 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको एंड इसको गुना करेंगे तो 1 2 3। ओके फ्रेंड्स इसको गुना करेंगे तो ये आना चाहिए इसके बीच में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 25 mm, 25 mm का अगर बार यूज हो रहा है तो 1 मीटर में 3.85 किलोग्राम वजन उसका होगा। नंबर्स ऑफ बार फ्रेंड्स सिंगल में ही आते हैं, 25 और 25 के बाद जितनी रेनफोर्समेंट जितना भी सही आता है फ्रेंड्स MS बार आता है, सिंगल आता है। ओके फ्रेंड्स ऐसे ही आप वेट निकालेंगे फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स आपको जानते हैं नंबर जिसको बार होते हैं स्क्वायर बार में राउंड बार में आते हैं, तो फ्रेंड्स स्क्वायर बार का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो में देख लीजिए आप वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं स्क्वायर बार का विद डेरिवेशन, मतलब कैसे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका स्क्वायर बार निकालने के लिए। राउंड बार निकालने के लिए तो फ्रेंड्स डी स्क्वायर 162 होता है, बट स्क्वायर बार निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, डेरिवेशन क्या है, आप उसको वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो बना चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, और पर मीटर में कितना वेट होता है 1 मीटर में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 3.85 मीटर किलोग्राम वेट होगा 1 मीटर में, तो उसकी लेंथ होती है 40 to 12.10 मीटर तक होती है एक लेंथ 1 बार की। किलोग्राम क्या होगा फ्रेंड्स 45 to 47 kg उसका 1 लेंथ का होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।